स्प्रिंग बहुत महंगा होता है। कितने का आता है ये? बल्कि बाइक वहाँ खड़ी है लेकिन अच्छे से दिख रही है। ये मैं चाह रहा था ये चीजें ट्रक में मिलना चाहिए। एक बैग अगर नींद उन्द आएगा तो ये इंडिकेट करेगा। क्या बात कर रहे हैं, इस ट्रक में मिल गया भाई ये देखिए क्लियरली इस ट्रक में मिल गया है। वो नीचे गिर गए थे तो आधे टंगे हुए थे रास्ते में हवा। ड्राइवर के लिए तो कुछ सरकार की तरफ से हम लोग के लिए तो कोई चीज सुविधा बन, कुछ मेरा अंदर लोड माल है, सारा कागज पत्तर ओके है, हर चीज ठीक है। उसके बाद भी बॉर्डर में आग लग जाएगा तो दिखेगा भी नहीं। ऐसा क्यों? इसका आग नहीं, तो ब्रेक मारने पर टंकी फट जाएगा। टाटा का चला, टाटा का, तो फिर मजा आएगा। टाटा भारत बैंक ये थोड़ा मार खाता है टाटा, हाँ वहाँ कहीं भी हम काम करा लेंगे, एक रुपया भी नहीं लगेगा। अब घर परिवार का जिम्मेवारी इतना है कि जो कमाते हैं उसके, लेकिन उनको पैसा चाहिए, पुलिस वाले को पैसा चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। देख सकते हैं कितना दमदार जबरदस्त भारत बैंक का ट्रक हमारे सामने खड़ा हुआ है, और ये भारत बैंक का टैंकर ट्रक है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 to 16 टायर ट्रक है। और ये इसका मैं मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। सरफराज भाई हैं हमारे साथ, वो अभी थोड़ा सा काम कर रहे हैं, जब तक मैं आपको ट्रक दिखा दूँ फिर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं उनसे लेके आपको दिखा दूँगा। ये भारत बेंज का BS6 ट्रक है, 4828, 7200 cc का इसमें इंजन आता है, मतलब इंजन काफ़ी हैवी है, 281 HP की पावर आती है। और आवाज़ जो मैं बोल रहा था थोड़ी सी आवाज़ बैठी हुई है मेरी, इस वजह से AC आ रही है, 281 HP की पावर। उसके बाद 47,500 इसका ग्रोस व्हीकल वेट है, 16 टायर आता है, मैं बता ही चुका हूँ आपको। और इसमें जो चीज़ आती है वो भाई ने बताया हमें कि इथेनॉल जो पेट्रोल में डलता है वो आता है इसमें, पेट्रोल वाला अलग होता है टैंकर, इसमें इथेनॉल आता है। ये इसका बैटरी है, यहाँ से आप पूरा कट कर सकते हैं, दिखा है इस पर ऑन एंड ऑफ का लिखा हुआ है। और ये इसका एयर फिल्टर आप देख सकते हैं, दो ग्लास ऐसे लगे हुए हैं, एक वहाँ पर लगा हुआ है। अंदर से मैं चल के दिखाऊंगा आपको, इसका वॉल बॉक्स है काफ़ी ह्यूज है। और ये है इसका यूरिया, बोले तो एड ब्लू नॉलेज हो गई। और देखिए आप इसका कबानी का सेटअप, बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी कबानी है, आप क्लियरली देख सकते हो। ये इसका स्पेयर व्हील, फायर एक्सटिंग्विशर इन ट्रक्स में लगे रहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर, इसमें तीन लाइट दे रखी है, और यहाँ पर पीछे वाली लाइट भी खूबसूरत है। ये इसका वॉल बॉक्स है, और ये देखिए पूरा ऐसा ये टैंकर है, यहाँ से चढ़ने का दे रखा है, अब ऊपर तो मैं चढ़ नहीं सकता, ये डीजल टैंक है इसका। यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ वेड़ भी अच्छे लग रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सरफराज भाई से ही पूछता हूँ जो भी चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। बाकी तो ये क्या है, गांधी धाम वगैरह कोटेश्वर लिखा हुआ कहीं से आता है। कैपेसिटी आप देख सकते हैं 39,000 लीटर्स की कैपेसिटी इसमें लिखी हुई है, और ये इथेनॉल जाता है इसमें, नागालैंड नंबर है ये। जय भारत, क्या बात है। अब चलते हैं सरफराज भाई के पास, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर अंदर से मैं आपको ट्रक दिखाऊंगा। तो सरफराज भाई ट्रक की साफ़ सफाई कर रहे हैं। सरफराज भाई ये आप इसको ड्राइव करते हैं? बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे, आप बड़ा अच्छा रखते हैं आप लोग ट्रक को ऐसे साफ सफाई वगैरह करके। ये कोई कंपनी का ट्रक है सरफराज भाई? हाँ। कौन सी कंपनी का ट्रक? इंटर स्टेट कंपनी का ट्रक, इंटर स्टेट कंपनी का है। तो ये कंपनी है कोलकाता का कंपनी है, तो ये भोपाल में आया इथेनॉल, ये क्या यूज में आता है, मतलब पेट्रोल में, पेट्रोल में मिक्स होता है। अच्छा, इथेनॉल पेट्रोल जो आजकल आ रहा है, तो ये कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? हम तो लेके आ रहे हैं निरसा से, झारखंड से। झारखंड से इतनी दूर से लेके आ रहे हैं? मैं झारखंड है। अच्छा, आप इसे परमानेंट यही चलता है ये ट्रक? नहीं नहीं, हम लोग का मतलब जहाँ जहाँ रिलायंस का, नायरा का, जहाँ जहाँ डिपो है सब जगह जाता है। सब जगह जाए, मतलब ये डिपो, बड़ा बड़ा डिपो जैसे अभी यहाँ पे, तो कैसे कितना किलोमीटर पड़ता होगा वहाँ से यहाँ पे? यहाँ से जहाँ से हम लोड करके आए हैं 1250 किलोमीटर है। 1250 किलोमीटर है, और कितना टाइम लग गया आपको आने में? 1250, 3 दिन। 3 दिन लग जाता है आपको? क्या उसमें सैलरी वगैरह मिल जाता है? सैलरी ठीक ही है, मिला जुला के चल जाता है, चला जाता। अच्छा, वही 15-20 हज़ार के आसपास? 25 हज़ार सैलरी। इसमें इसमें डेली का वो खर्चा वगैरह कुछ नहीं मिलता है? सब कुछ मिलता है, टोटल कुछ मिलता है, खाने का अलग मिलता है, गाड़ी में कोई काम कराएंगे वो पैसा अलग मिलेगा। अच्छा, का मिलेगा रास्ता का पुलिस। इसमें इस जो आप इथेनॉल लाए इसमें थोड़ी सी सेफ्टी वगैरह रखनी पड़ती होगी? हाँ, है? इसको आग से बचाना है। अच्छा, आग से बचाना, आग से बचाना, आग से दूर रखना है इसको। ये भी वो पेट्रोल की तरह आता है कि अलग अलग क्वांटिटी में भरा था अंदर? एकदम पेट्रोल ही है। अच्छा, पेट्रोल मतलब आपको दिखेगा, इसका आग लग जाएगा तो दिखेगा भी नहीं। ऐसा क्यों? इसका आग नहीं दिखता है, इसका आग दिखता नहीं है लेकिन आग लगती है। अल्कोहल से बना है। अच्छा, ये दारू जो होता है? दारू जो होता है वही, उसी का कट स्पीड बना के उसी से। तो वहाँ पे जो कंपनी होगी वो बनाती होगी, यहाँ बेचती होगी, तो इसमें मतलब आग लग जाएगी तो दिखेगा भी नहीं? दिखेगा भी नहीं। नहीं, जैसे पेट्रोल टैंकर में ऐसा आता है ना कि पीछे 5,000 लीटर भराओ, फिर 10,000 लीटर, फिर 15,000 लीटर, ऐसे ही भरा रहता है। हाँ, तो ऐसा अलग अलग है, ये डब्बा अलग अलग क्यों रहता है इसमें? पूरा अगर लंबा एक ही रहेगा ना, हाँ, तो ब्रेक मारने पर टंकी फट जाएगा।
अच्छा, इसलिए ये टैंकर बनाएगा ना, वाइब्रेशन करेगा, बहुत माल का वेट एक जगह हो जाएगा ना जी, इसलिए इसको तोड़ के रखा गया है। अच्छा, अंदर जैसे इसमें ये डब्बे बने हुए हैं अलग अलग, जैसे ये लिखा हुआ है इसमें, किसी में 5000 लीटर, किसी में ये लीटर। आप वैसे कितने टाइम से ड्राइवर फील्ड में? सरप्राइज भाई, ड्राइवर कर रहे हैं 20 बरस हो गया, 2002 से, नहीं पूरा 2000 में तीसरा महीना से हम रहे। अरे यार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के रहने वाले हैं। तो आप तो 20 बरस हो गया, तो आप परमानेंट ड्राइवर ही कर रहे हैं 20 बरस। इसके पहले कौन सा ट्रक चलाते थे आप? इसके पहले भी हम अल्कोहल गाड़ी चलाते थे, मतलब भारत बेंज के ट्रक चलाते थे, टाटा का। हाँ, तो फिर मजा आएगा। टाटा भारत बेंज, टाटा के बाद जब आपने भारत बेंज चलाया तो फिर कैसा लगा आपको? भारत बेंज टाटा की गाड़ी से अच्छी, ठीक है, अच्छी है टाटा की गाड़ी से। टाटा की गाड़ी से हर मामला में अच्छी, मजबूती में, चलने में, सब में अच्छी है, चलने में अच्छी है। सिर्फ घाट में ये थोड़ा मार खाता है टाटा, टाटा पावर के मामले में घाट में अच्छा है, पावर के मामले में। ये वैसे कितना माइलेज दे देता है सरप्राइज भाई? ये लोड गाड़ी माल के ऊपर है, पतला माल है, जिसे अभी इथेनॉल है, इसमें 3 का एवरेज दे देता है, 3 का माइलेज मिल जाता है, 3 का माइलेज लोड गाड़ी मिलता है। अगर यही माल भारी माल लोड हो जाएगा तो फिर एवरेज थोड़ा कम हो जाएगा, 2.5 का हो जाएगा, 2.70 का हो जाएगा, 2.5 का माइलेज। इस ट्रक का मेंटेनेंस वगैरह जो है वो आप ही देखते हैं? इसका कंपनी, हम लोग का कुछ नहीं, हम लोग का सब गाड़ी कंपनी में एमसी में है। अच्छा, मतलब महीना सिस्टम कंपनी में सिस्टम है, जहाँ भी भारत बेंज कंपनी है वहाँ कहीं भी हम काम करा लेंगे, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, सिर्फ काम। अच्छा, हमेशा भले वारंटी के बाहर हो तब भी कहीं पे भी काम करा, कहीं भी हम कहीं भी करा लेंगे, किसी भी कंपनी में जहाँ भी भारत बेंच है काम करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम करा लेंगे काम। अच्छा, ये कंपनी का कुछ इसमें रहता होगा? एमसी सिस्टम कुछ है कंपनी का, महीना बांधे हुआ है। सरप्राइज भाई, ये जी जी पैसा देता है ये वाला जो ट्रक होता है, इसमें जैसे नौकरी मिलने के लिए, जॉब मिलने के लिए कुछ लगता है अलग से क्या? अलग से क्या, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो ये सब है वही सब। आसानी से नौकरी मिल जाती है ट्रक में? जैसे कोई नौकरी लेना चाहेगा तो उसको कैसे मिलेगा? आसानी से कंपनी में उसका पहचान होना चाहिए, उसका जानने सुनने वाला कोई होना चाहिए, जैसे कंपनी क्या गारंटर होना चाहिए, गारंटेड होना चाहिए, कोई बेच के चला जाए, कोई कुछ नुकसान करके चला जाए, ऐसा आदमी होना चाहिए, भरोसा चाहिए। सरप्राइज भाई, जैसे आपने बताया कि आपको 20 साल काफी अच्छा टाइम हो गया, तो आपने ट्रक व्रक लेने का नहीं सोचा इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी? नहीं, ऐसा क्यों? उतना कमाई नहीं होता है। अच्छा, बैकअप सपोर्ट होना, बैकअप सपोर्ट होना चाहिए, अब घर परिवार का जिम्मेवारी इतना है कि जो कमाते हैं। अच्छा, घर पे आप ही होंगे घर पे करने वाले? हाँ। तो मतलब आप अकेले चलते हैं इसमें, आपके साथ कोई चलता नहीं है? तो 1200 किलोमीटर आप अकेले चलाते हैं? पूरा इंडिया अकेला ही चलता है। अरे तो अच्छा, इन जैसे आरटीओ पुलिस वगैरह जो दूसरे ट्रक्स को रोकती, इनको तो नहीं रोकती होगी? रोकती है। तो ये तो कंपनी का ट्रक है, इसमें कोई दिक्कत क्या हुआ? सब तो कंपनी का ही, जो भी रोड पर गाड़ी चलता है सब किसी न किसी कंपनी, किसी न किसी ट्रांसपोर्ट का गाड़ी है। नहीं तो इसमें रोकने का कोई चांस ही नहीं बनता, इसमें किस चीज के लिए रोकेंगे? वो पैसे ही, जैसे भी रोकेंगे, लेकिन उनको पैसा चाहिए, पुलिस वाले को पैसा चाहिए, जैसे भी रोक दिया रोक दिया तो वो जो कुछ ओके हो उसके बाद भी रोक लेगा, तो आपको 1500 रुपया लेगा ही। तो 1500 रुपया आपकी जेब से जाएगा या फिर आपको कंपनी से? कंपनी देगा, कंपनी देगा। तो यार ये तो पूरा लीगल ट्रक है, इसके बाद भी इसे रोक लेंगे, ये सही नहीं है, क्योंकि दूसरे ट्रक का मुझे समझ में मध्य प्रदेश है ना, आने के लिए सब कुछ मेरा अंदर लोड माल है, सारा कागज पत्र ओके है, हर चीज ठीक है, उसके बाद भी बॉर्डर में 1500 रुपये, बॉर्डर में आरटीओ लेता है 145 रुपये टिकट लगता है, उसके बाद 50 रुपये ऊपर से कांटा वाला कागज देखता है वो लेता है। अच्छा, फिर निकलेंगे लोड हो या खाली हो, फिर 1500 देना होगा। सरप्राइज भाई, आपके हिसाब से जो अपने भारत में, इंडिया में, मतलब ट्रक ड्राइवर की लाइफ कैसी है? मतलब ठीक ही है, जो चल जा रहा है ठीक ही है, मतलब ड्राइवर के लिए तो कुछ सरकार की तरफ से हम लोग के लिए तो कोई चीज़ सुविधा बना नहीं, ऐसे कोई सुविधा नहीं बना गई, कोई सुविधा नहीं बना, मतलब थोड़ी परेशानी ज़्यादा है, परेशानी बहुत है। अब कभी ट्रक ड्राइवर गाड़ी रोड पर चल रहा है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है। गाड़ी वाला छोटा गाड़ी अपने से आकर मार देगा, हमारे ऊपर ही केस हो जाएगा। ये मैंने देखा है, मैंने एक वीडियो बनाया था, एक ट्रेलर था, वो चलते चलते रोड से नीचे उतर गया था, तो उसमें से बड़े बड़े पाइप थे, वो नीचे गिर गए थे, तो आधे टंगे हुए थे रास्ते में हवा में। लेकिन मैंने उन भाई से पूछा तो बोले कि यहाँ तो ना पुलिस आ रही, ना कुछ आ रहा है, ना प्रशासन आ, वो तो बस कंपनी करवा रही जो करवा रही है। कंपनी का गाड़ी वाले के लिए कोई साथ नहीं देता है, गाड़ी वालों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं, वो फैसिलिटी देनी चाहिए, अपने देना चाहिए सरकार को, पुलिस को देना चाहिए कि गाड़ी वाले का सेफ्टी के लिए, तो गाड़ी वाले को लूटने के लिए है, तो 1000-2000 हम इसे मांगेगा। हाँ सही बात है, उसमें आपका थोड़ा सा पैसा खर्च होता है। तो आपके हिसाब से टाटा से अच्छा ये भारत बेंज का ट्रक है थोड़ा? मैं अंदर से देख सकता हूँ इसको थोड़ा सा? चलिए, आप आपका काम चाहे तो कर सकते हैं, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। ये मर्सिडीज भारत बेंज जो लिखा हुआ आता है, एक्चुअली क्या रहता है, मर्सिडीज का ही ट्रक मान के चलिए इसे, इसलिए भारत बेंज लिखा हुआ आता है। अंदर से दिखा दूँ आपको, वैसे ये सामान वगैरह सब रख रखा है सरफराज भाई ने ऐसा। इसमें एसी आता है ना सरफराज भाई? हाँ, इसमें एसी आता है। ये देखिए आप,
गाड़ी है, फुल एसी गाड़ी है ये। गाड़ी में बैठने उठने को अपना सुविधा। हाँ बिल्कुल भाई जी, जी जी बंद कर लीजिए, कोई गाड़ी आएगा तो जी बिल्कुल बंद कर लेता हूँ। एक मिनट ये थोड़ा सा फंसा लूँ यार, गेट क्लोजिंग भी अच्छी है, थर्ड बहुत अच्छा है गेट का क्वालिटी, मतलब बढ़िया है गाड़ी, गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी है, थोड़ी छाया इसकी आ रही है। अरे इसका साउंड भी बहुत कम है जी, अरे क्या बात है, एक बार और सफर पे एक बार और करके दिखाइए, पहला ट्रक हमेशा देखे मैंने ट्रक, ये पहला ट्रक देखा मैंने जो जिसके विंडो पावर विंडो मिल गया भाई। मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ ना यार, मैनुअल करना पड़ता है, देना चाहिए, इस ट्रक में मिल गया भाई ये देखिए, क्लियरली इस ट्रक में मिल गया ये देखिए दोनों, ये अच्छी बात है भाई। वो मैं हमेशा बोलता था कि इतने महंगे महंगे ट्रक आते हैं टाटा वाटा, इनके किसी हालत में आसी करना पड़ता है 50 लाख के ट्रक में भी, और ये एकदम चालू करते थे इसका एसी बहुत अच्छा वर्क कर रहा था सरफराज भाई है, एसी पे माइलेज थोड़ा कम हो जाता होगा, ये थोड़ा लग्जरी देता है ये ट्रक थोड़ा सा, और आपने ये है ना बहुत लग्जरी देता है, क्योंकि ये देखिए इसका ये खूबसूरत एमआईडी वगैरह भी सब अच्छी, इतना एवरेज दे रहा है वो भी दे रहा है जी, हाँ जो एवरेज आ रहा है वो भी आ रहा है, फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील है इसका, वो यहाँ पे भी बीच में आपने लगा रखा है इसको, ये कंपनी ही लगा के दिया। अच्छा ये सब कंपनी ने लगा के दिया, मतलब ये एक बहुत बेहतरीन कमरा लग रहा है एसी लगने के बाद। ये आपको ये दोनों इसको क्या बोलते हैं, वो क्या है ये कैमरा है दोनों में, ये पीछे का दिखता है इसमें, दिखता नहीं है इसमें, अगर नींद उन्द आएगा तो ये इंडिकेट करेगा, क्या बात कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं हाँ। तो अगर नींद आ गया कैसे बंद हो गया हाँ। तो ये इंडिकेट करेगा, तो वो कैसे करेगा मतलब नींद आने पे इंडिकेट, ये कैच करता है, अच्छा आंखों को कैच करता होगा, तो इंडिकेट कैसे करता है, टू 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 बोलता है क्या, बहुत जोर से जैसे सायरन बजता है उस तरह से आवाज आएगा। अरे क्या बात है सरफराज भाई, ये इसका बैक कैमरा होगा, बंद कर दीजिए सरफराज भाई, बंद कर सकते हैं ट्रक को, बैक कैमरा दिखिएगा, हाँ दिखाइए ना बैक कैमरा दिखा दीजिए, इसका क्वालिटी भी समझ में आ जाएगी बैक कैमरा, ये पूरा बैग दिख जाता है, ये पूरा कंप्लीट ट्रक है भाई, ये मैं चाह रहा था ये चीजें ट्रक में मिलना चाहिए, एक बैक कैमरा और एक ये जो पावर विंडो जो चढ़ाने का आता है, इसकी ब्रेकिंग वगैरह बहुत जबरदस्त आती है, हर तरह से बहुत अच्छी है, हर तरह मैंने देखा ज्यादातर ट्रक में जो ब्रेक होते हैं अपन एकदम से लगाओ तो टक एक टक से लगते हैं, तो ब्रेक कैसे लगाए जाते हैं सरफराज भाई, थोड़ा स्पीड के हिसाब से है, पहले एक बार थोड़ा स्लो कीजिए उसके बाद फिर स्लो कीजिए, ऐसे भी इसको किसी भी तरह आप रोक सकते हैं, अच्छा अच्छा स्पीड में जैसे मार दीजिए एकदम जैसे कार रुकता है उस तरह रुक जाएगा, अच्छा ऐसा झटका तो नहीं लगा था आपसे, क्या बात है, अब ओपन कर सकते हैं इसको बंद, अच्छा ये आपने पहले बंद करा उसके बाद बंद करा, अच्छा एसी का है यार ये बड़ा अच्छा, ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या लिखा हुआ है, वो तो पीछे लगा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर, ये बड़ी अच्छी चीज बताई आपने, इसमें कैमरा भी मिल जाता है भाई, और इसमें वो बड़ी अच्छी चीज है ये भाई ने जो बताया, यहाँ से आता होगा सेंसर, यहाँ से हाँ वही सेंसर, ये है तीन जगह से इंडिकेट करता है, तीन जगह से टू 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 बड़ा सायरन बोल देता होगा, पूरा एकदम वाइब्रेशन गाड़ी हो जाएगा, इतना जोर से कि लगेगा कि आप यहाँ पे क्या दे रखा है इसमें, सब इंजन का, अच्छा मीटर का, लैंप फिल्टर, एयर फिल्टर, स्टॉप सक्सेसफुली, ये सिस्टम है वही पूरा वहाँ पे दिया, वहाँ पे दिया है, मतलब ये काफी फैसिलिटी वाला ट्रक दे दिया, मतलब बहुत अच्छी, वो वाले शीशा से आप सामने पूरा देख लीजिएगा, इससे पीछे पूरा देख लीजिएगा, ये वैसे यहाँ लगा है तो समझ में, ये इसलिए रोता है कि बाइक बाइक वाला, और ये वाला वो सामने आगे सामने से नीचे आपका बाइक भी उसमें दिखेगा, देखिए ठीक से, हाँ जैसे अगर मैं आप लोगों को भी जूम करके दिखाऊं तो देखिए वो मेरी बाइक खड़ी है, वो खड़ी मेरी बाइक वहाँ पे, वो भी दिख रही है, बल्कि बाइक वहाँ खड़ी है लेकिन अच्छे से दिख रही है, तो ये हाँ क्योंकि अपन इस पे हाइट पे बैठे रहते हैं ना, तो थोड़ा नीचे तक का दिखता नहीं है, नहीं दिखेगा इसमें आपको टोटल दिखेगा, अरे मतलब इस ट्रक में ये है कि आप कहीं रुकते होंगे तो थोड़ी सी परेशानी नहीं होती होगी सरफराज भाई आपको, है बाकी ट्रक के मुकाबले, क्योंकि थोड़ी सी लग्जरी मिल जाती है, चला लीजिए थकान नहीं होता, हाँ क्योंकि इसका जो सीट वीट ये भी कंफर्टेबल है, और बता दो आप लोगों को इसका अभी जो शोरूम प्राइस मैंने चेक किया वो है 50 लाख के समथिंग, इसका शोरूम प्राइस आ रहा था, भाई को अभी पता नहीं सरप्राइज भाई को कि एक्चुअल में कितने का हाँ, आता है ना, क्योंकि ये तो कंपनी का है, कंपनी के ट्रक उठाते होंगे, हमको लगता है 70-75 लाख पड़ता है, 70-75 लाख, अरे बहुत ज्यादा, इसका मेंटेनेंस भी फिर उतना तगड़ा होगा सरप्राइज भाई, है अभी तो टैंक हम लोग का स्टील टैंक है, टैंक बहुत महंगा होता है, कितने का आता है ये इसके अंदर कुछ रबर वबर लग रही थी, ये डायरेक्ट एसी डलता है, डायरेक्ट है ये, डायरेक्ट है वो रबर वबर वाला स्टील है, रबर मतलब जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ पे तो रबर रहेगा, वहाँ पे रबर रहेगा, इसके लिए कोई सूट वगैरह कुछ आता है, कोई क्या कैसा सूट होता है ना पहनने का, सूट वगैरह के लिए हम लोग के पास है, आप लोग सूट देके रखते हैं, शू है,
हेलमेट है, चश्मा है। अच्छा भाई, मुकेश भाई है ये? मुकेश भाई का लीलन गाड़ी है। चलो मुकेश भाई के पास अभी जाएंगे अलग से। चलिए सरफराज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दे दी और आपसे मिलकर अच्छा भी लगा। तो गाइस ये थी हमारी ट्रक की इन्फॉर्मेशन, और ट्रक बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे स्पेशली इसकी वजह से। मेरा रोजा है, आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस होप करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।